हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। आज आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे सेटिंग्स जो आपके आईफोन में हैं जिसको आपको अभी के अभी जो है टर्न ऑफ कर देना चाहिए। आपने नया आईफोन लिया है या फिर आप कई सालों से आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी आप iOS 12 से iOS 13 पे, iOS 11 से iOS 12 पे आए होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे सेटिंग्स जो है ये टर्न ऑन हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसमें से कुछ सेटिंग्स ऐसे भी है जो कुछ नए एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के बाद भी ऑटोमेटिकली जो है वो टर्न ऑन हो जाते हैं उन एप्लीकेशंस के लिए। तो ये सेटिंग्स क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो सबसे पहले बताता हूँ। बहुत सारे सेटिंग्स है, अलग अलग टाइप के सेटिंग्स है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये सेटिंग्स को आपको टर्न ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे आपकी बैटरी लाइफ जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। आपका फ़ोन अगर हीट हो रहा है किसी रीज़न से तो हीटिंग इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो प्राइवेसी, सेफ्टी और सिक्योरिटी है आपके डिवाइस की, आपके डेटा की, जो आप चाहते हैं कि आपके आईफोन में सिक्योर रहे और एंड्रॉयड फोन्स में जैसे जो आपका डेटा लीक वगैरह होता है वो आईफोन के जरिए से वैसा ना हो, तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आईफोन तो आपने ले लिया लेकिन यू हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ योर आईफोन कि किस तरीके से आप अपनी प्राइवेसी को संभाल सकते हैं, और ये सेटिंग्स जो है आपकी वही चीज़ में हेल्प करेगी। तो सेटिंग्स जो है ये ऑटोमेटिकली ऑन होंगी आपके फोन में, इसको टर्न ऑफ करना है, हो सकता है कुछ ऑफ ऑलरेडी होंगी अगर आपने प्रीवियस कोई मेरे वीडियोस देखे होंगे बैटरी लाइफ से रिलेटेड। लेकिन मेरा आपको सजेशन यही होगा कि वीडियो को देखते देखते जो है आप एक एक सेटिंग को उसी के हिसाब से ऑल्टर करते जाए, एडजस्ट करते जाए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वही सेटिंग आप चेंज करके जो है वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्किप मत कीजिए वीडियो को ताकि आपकी कोई भी सेटिंग जो है वो मिस ना हो। तो दोस्तों, पहली सेटिंग उन लोगों के लिए जो लोग थर्ड पार्टी कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं iOS 13 के अंदर जो है अपना जो एप्पल का स्टॉक कीबोर्ड है उसके अंदर आपको स्वाइप टू टाइप वगैरह सारे ऑप्शंस मिल गएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी कीबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के लिए सेटिंग भी है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको। जी बोर्ड, यहाँ पे देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये जी बोर्ड जो कीबोर्ड है गूगल का कीबोर्ड है और इसके अंदर क्या होता है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है सारे थर्ड पार्टी कीबोर्ड्स के अंदर। आप एक बार सेटिंग्स में चले जाइए, सेटिंग्स में आपके फोन के जनरल में जाइए और जनरल में आपको देखने मिलेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नजर आएगा कीबोर्ड्स, और कीबोर्ड्स के अंदर आपको सारे कीबोर्ड जो आपके स्टॉक है एप्पल की तरफ से वो तो नजर आएंगे और वो कम्प्लीटली सेफ है। लेकिन उसके नीचे आपको नजर आएगा वो थर्ड पार्टी कीबोर्ड जो आपने डाउनलोड करके रखा है। तो मेरे केस में यहाँ पे जी बोर्ड है, जी बोर्ड को ओपन करूंगा तो यहाँ पे लिख के आता है अलाउ फुल एक्सेस, जो टर्न ऑन होगा आपके फोन में अगर आप थर्ड पार्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो। तो ये क्या होता है अलाउ फुल एक्सेस, ये आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सारे जो भी डेटा आप टाइप कर रहे हो सारी चीजें जो है बैक एंड पे गूगल के सर्वर्स पे चली जाती है, ऐप डेवलपर्स के पास चली जाती है। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो है एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए है, लेकिन इसमें बहुत सारा रिस्क भी हो सकता है क्योंकि ये कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप सारी बैंकिंग वगैरह करते हो। तो बेटर यही है कि आप जो है इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपको थर्ड पार्टी कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है तो अलाउ फुल एक्सेस को आपको ऑफ रखना है, ये सबसे पहली सेटिंग है। और उससे अच्छा मैं आपको बोलना चाहूँगा, एक सजेशन मेरा ये है कि आप जो है एडिट पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और एडिट पे क्लिक करके ये वाला कीबोर्ड जो है डिलीट कर दीजिए। थर्ड पार्टी कोई भी कीबोर्ड अगर आप नहीं रखेंगे आपके आईफोन के अंदर तो ये आपके लिए जो है ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हमारी जो सेकंड सेटिंग है उसके ऊपर। सेकंड सेटिंग में आपको जो है सारे एप्लीकेशंस जो आपको अननेसेसरी परमिशन लेके रखे हैं उसमें से उन परमिशंस को रिवोक करना है, वो सेटिंग्स को टर्न ऑफ करना है। तो उसके लिए सेटिंग्स में चले जाइए और आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए नीचे। यहाँ पे आपको नजर आएंगे दोस्तों सारे एप्लीकेशंस। यहाँ पे कुछ एप्पल के अपने खुद के एप्लीकेशंस होंगे और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होंगे। थर्ड पार्टी जितने भी एप्लीकेशंस होंगे उन एप्लीकेशन को जो है आपको एक एक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस एप्लीकेशन को जो है माइक्रोफोन का एक्सेस है, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है मेरे माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये एप्लीकेशन को रखूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरे माइक्रोफोन को एक्सेस करे, तो यहाँ से मैं अपने माइक्रोफोन को टर्न ऑफ कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप जो है सारे एप्लीकेशंस को एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं और हर एप्लीकेशन में आपको कुछ ना कुछ जो है अलग देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड में मैं देखता हूं कि सारे एप्लीकेशन सारे परमिशन मांगते रहते हैं, यहां पे वैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, सपोज यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम में आपके फोटोज को रीड एंड राइट करने का ऑप्शन है। अगर आप नहीं चाहते ये करें और आप चाहते कि इंस्टाग्राम हमेशा आपको पूछे तो यहाँ पे जो है इसको नेवर पे कर दीजिए। उसके बाद जब भी आप चाहेंगे इंस्टाग्राम को एक्सेस देना तो इंस्टाग्राम में आपको वो परमिशन मांगेगा, उस टाइम पे आप दे सकते हो। सिमिलरली लोकेशन का भी यहाँ पे जो है हर एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। यहाँ पे लोकेशन पे भी क्लिक करके जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो एप्लीकेशन आपके लोकेशन को एक्सेस करे तो उसकी सेटिंग जो है आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से हर एप्लीकेशन में आपको कुछ ना कुछ अलग सेटिंग देखने को मिलेगी, वो सेटिंग जो है आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कीजिए। जिस एप्लीकेशन को आप माइक्रोफोन का एक्सेस या फोटोज का एक्सेस नहीं देना चाहते उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। अगली सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग्स में चले। यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड ये सेटिंग है और ये करने से आपकी जो बैटरी लाइफ है इस पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी लाइफ जो है वो सेव हो जाएगी। सेटिंग्स में चले जाइए और सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है पासवर्ड्स एंड अकाउंट्स के अंदर। पासवर्ड्स एंड अकाउंट्स के अंदर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है
फेच न्यू डेटा का ऑप्शन नीचे नजर आएगा, फेच न्यू डेटा पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जो है पुश जो है वो ऑन रहेगा। पुश को आप कंप्लीटली ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ के जो सर्वर से कंप्लीटली पुश होते रहेगा डेटा पूरा टाइम, आपका जो फोन है उसको फेच करने की कोशिश करते रहेगा, तो इससे आपकी जो सिग्निफिकेंट जो है बैटरी लाइफ ड्रेन होती रहती है। बैटरी हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन बैटरी लाइफ फटाफट उतरेगी, तो आप ये जो है इसको थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि अलग अलग ईमेल्स जो है, हमारा जीमेल है, हमारा जो दूसरा कोई आउटलुक का मेल होगा, माइक्रोसॉफ्ट का मेल होगा, उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोई कैजुअल आपका ईमेल होगा तो उसको आप जो है फेच पे रख सकते हो, और आपका जो ऑफिशियल ईमेल होगा जो चाहते हैं आप हमेशा आपको फटाफट ईमेल आता रहे उसको आप पुश पे रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे जीमेल का है तो यहाँ पे मैंने फेच पे रखा हुआ है, उसके बाद आईक्लाउड है उसको मैंने पुश पे रखा है ताकि आईक्लाउड का जो भी चीज़ें होंगी, कभी मेरे को जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, कोई भी चीज़ होगी या आईक्लाउड से रिलेटेड कोई मेल होगा तो मुझे वहाँ पे जो है वो पुश कर दिया जाए मेरे आईफोन के ऊपर। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो, और आप जो है फेच को भी अपने हिसाब से फेचिंग का टाइमिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हर 15 मिनट पे या हर आधे घंटे पे, एक घंटे पे मेरा फ़ोन जो है वो ईमेल को फेच करे, तो उस टाइम से आप जो है उसको सेट भी कर सकते हैं यहाँ पे एवरी 15-30 मिनट्स। और अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं, यानी कि कभी भी जो है आप मैन्युअली ही फेच करना चाहते हैं, तो ईमेल का जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, चाहे एप्पल मेल हो चाहे जीमेल हो, उसमें जाके आपको बस पुल डाउन करना है और आपका मेल रिफ्रेश हो जाएगा। अगली जो सेटिंग मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बैटरी लाइफ में सिग्निफिकेंट जो है इंप्रूवमेंट लेके आएगी, आपका बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा इसमें। इसके लिए आपको सेटिंग्स में चले जाना है, अपने फोन के सेटिंग्स में जनरल में जाना है और जनरल में आपको नजर आएगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। यहाँ पे आप देखेंगे कभी भी कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो अपने फोन के अंदर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो है वो बाई डिफॉल्ट ऑन हो जाता है उन एप्लीकेशंस में, और ये एप्लीकेशंस जो है बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहते हैं और मोबाइल डेटा का इस्तेमाल या वाईफाई का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशंस जो है बेसिकली इनके लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो यूजलेस होता है, इसको जो है मैन्युअली आप टर्न ऑफ कर दीजिए। सिर्फ जो है ईमेल वगैरह या व्हाट्सएप आपका होगा उसके लिए जो है आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑन रखिए, बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की आपको कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप के लिए जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन रखा है और वेदर के लिए रखा है ताकि वेदर के लिए मैं अपडेटेड रहूँ। अगली चीज़ जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगली जो सेटिंग है वो आपको जो है बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर जो है इससे खुश हो जाएंगे। जब भी कोई हम नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उस एप्लीकेशन को पहली बार भी हम खोलते हैं तो एप्लीकेशन हमको बोलता है क्या आप एंजॉय कर रहे हो इसको, क्या 5-स्टार रेटिंग देना चाहते हो, तो ये जो इन ऐप रिव्यू रिक्वेस्ट है इसको आप कैसे टर्न ऑफ कर सकते हो। ये आपकी बैटरी भी अननेसेसरी खाता है और ऊपर से आपको ज़बरदस्ती करता है कि आप जाके ऐप स्टोर में उनको रेट करें, तो इसके लिए आपको जो है सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आपका जो ऊपर एप्पल आईडी है उस पर क्लिक कर लीजिए, iTunes एंड ऐप स्टोर पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो है नज़र आएगा इन ऐप रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। ये जनरली हर एक का जो है ऑन ही रहता है, तो इसको यहाँ से बस आपको टर्न ऑफ कर देना है और अभी कोई भी एप्लीकेशन आपको जिद नहीं करेगा या ज़बरदस्ती नहीं करेगा उसको रिव्यू करने के लिए। अगली जो सेटिंग आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो है टर्न ऑफ आईफोन एनालिटिक्स। इसके लिए आपको जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है प्राइवेसी में, और प्राइवेसी में आपको चले जाना है एनालिटिक्स के अंदर, जो कि नीचे आपको देखने मिलेगा एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको नजर आएंगी ये सब एप्पल के इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब आपके फ़ोन का जो भी एनालिटिक्स है, आपके वॉच का एनालिटिक्स है, आपके हेल्थ का एनालिटिक्स है, ये एप्पल के सर्वर्स पे अपलोड होता है, मतलब ऑब्वियसली आपके नाम के साथ नहीं होता बट होता है और उसमें जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो काम आता है, लेकिन इसके अंदर जो है आपकी प्राइवेसी सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो बेस्ट यही है कि इसको जो है आप टर्न ऑफ कर दीजिए। क्या ज़रूरत है आपको इम्प्रूव करने की सीरी की, डिक्टेशन की और एप्पल के एनालिटिक्स की और आपके आईफोन की इम्प्रूवमेंट की या एप्पल वॉच की, ये सब एप्पल अपने एंड पे करना चाहिए, आपको इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे सारे जो एनालिटिक्स है मेरे हिसाब से आप टर्न ऑफ कर दीजिए, मैं भी इसको ऑफ ही रखता हूँ। अगली जो सेटिंग आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, फिर से जाना है प्राइवेसी में और यहाँ पे आपको जाना है लोकेशन सर्विसेज में। यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज में जैसे आपको मैंने पहले बताया सारे एप्लीकेशन के लिए आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है और आप क्या चाहते हो उसको परमिशन देना या नहीं देना, क्योंकि एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे वो परमिशन मांग लेता है तो हम उसको ऑलवेज कर देते हैं, तो ऑलवेज किसी भी एप्लीकेशन के लिए करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि एक तो वो आपका बैटरी बेकार में उसका जूस जो है वो निकालते रहेगा और ऊपर से आपकी पूरा टाइम लोकेशन को ट्रैक करते रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग एप्लीकेशन है, यहाँ पे उसमें आस्क नेक्स्ट टाइम का ऑप्शन है, फिर वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन का ऑप्शन है और नेवर का ऑप्शन है, तो जनरली मैं तो बोलूँगा आपको कि इसको नेवर पे ही रखिए,
जो भी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको जीपीएस लोकेशन की जरूरत नहीं है, और अगर जो कोई इंपॉर्टेंट भी है जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस है, एक्सेस मोबाइल वगैरह, तो इसको भी आप ऑलवेज पे मत रखिए व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन रखिए, क्योंकि हमेशा यानी कि एप्लीकेशन पीछे बंद भी पड़ा हुआ है आपके फोन में, फिर भी वो आपकी लोकेशन जो है वो ट्रैक कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसको आप जो है इंडिविजुअली जाके हर एक एप्लीकेशन को जाके चेक कीजिए, और जिसको जरूरत नहीं है उसको टर्न ऑफ कर दीजिए, नेवर कर दीजिए, और जिसको कभी कभी जरूरत पड़ती है तो वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन या फिर आस्क पे रखिए। अगली जो सेटिंग हमको टर्न ऑफ करना है दोस्तों, वो भी सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी में ही है। प्राइवेसी के अंदर हमारी ज्यादा सेटिंग है क्योंकि हमारा जो वीडियो है इंक्लाइन टूवर्ड्स प्राइवेसी है। यहाँ पे जो आपको है लोकेशन सर्विस में फिर से चले जाना है, और लोकेशन सर्विसेज में आपको जो है नीचे चले जाना है। नीचे आपको देखने मिलेगा सिस्टम सर्विसेज। सिस्टम सर्विसेज भी आप देखेंगे तो सारी यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज आपको ऑन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है मैक्सिमम सेटिंग्स आपको टर्न ऑफ ही करनी है। यहाँ पे सबसे पहले एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, फिर कंपास कैलिब्रेशन, एमरजेंसी कॉल्स एंड SOS और फाइंड माय आईफोन को ऑन रखिए। बाकी होम किट वगैरह, लोकेशन बेस्ड अलर्ट्स, ये सारी चीजें जो है लोकेशन बेस्ड, एप्पल एड्स, ये सब आपको जो है टर्न ऑफ कर देना है क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। सेटिंग टाइम जोन भी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा। सेटिंग टाइम जोन जो है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं और इंडिया से बाहर जो है ट्रैवल करते हैं। सपोज आप इंडिया से दुबई जाते हो, ऑटोमेटिकली दुबई का लोकेशन वो ट्रैक करके आपका दुबई का टाइमिंग जो आपके फोन में अपडेट कर देगा। तो ये आपको अगर जरूरत नहीं है, आप नहीं ट्रैवल कर रहे हो इतना, तो आप जो है इसको भी टर्न ऑफ कर सकते हो। और शेयर माय लोकेशन जो है उसको भी आप ऑफ कर दीजिए, वाईफाई कॉलिंग वगैरह, क्योंकि वो यहाँ पे चलता ही नहीं है इंडिया में। वाईफाई नेटवर्किंग इस सब के लिए जो है आपको टर्न ऑफ इसको कर देना है। अगली सेटिंग जो हमको टर्न ऑफ करनी है दोस्तों, वो भी इसी के अंदर ही है। यहीं पे आपको जो है नीचे सिस्टम सर्विसेज के अंदर ही देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंट लोकेशन। इसके लिए आपका फेस आईडी या टच आईडी मांगा जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए। और सिग्निफिकेंट लोकेशन जो होता है, इसकी वजह से जैसे गूगल के अंदर भी होता है वैसे एप्पल के अंदर भी होता है, यहाँ पे इसका नाम सिग्निफिकेंट लोकेशन है। यानी कि आप जहाँ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सपोज आप लोनावाला घूमने आ गए, फिर उसके बाद मुंबई चले गए, उसके बाद पूना चले गए, उसके बाद दिल्ली चले गए, बैंगलोर चले गए, वहाँ पे किस किस गली कूचे में आप घूमे, ये सारी चीज़ें जो है आपकी सिग्निफिकेंट लोकेशन में जमा होती रहती है। और इसका यूज़ जो है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए होता है, आपको जो है एड सर्व करने के लिए होता है, इसका जो इस्तेमाल है आपके फोटोज़ को टैगिंग के लिए भी होता है। तो अगर आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट लोकेशन को आपको टर्न ऑफ कर देना चाहिए। और टर्न ऑफ करने के बाद नीचे जब जाएंगे आप तो क्लियर हिस्ट्री कर देंगे, तो एप्पल के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी है कि आप किस किस शहर में, किस किस गांव में, किस किस गली में घूमे थे, वो सारी यहां से डिलीट हो जाएगी। हमारी जो आखिरी सेटिंग है दोस्तों जो आपको टर्न ऑफ करनी है, वो भी यहीं पे आपको सिस्टम सर्विसेज में ही मिलेगी। सिस्टम सर्विसेज में जब आप नीचे चले जाएंगे तो आपको यहां पे प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का ऑप्शन देखने मिलेगा। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के अंदर जो है प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए यानी कि आईफोन को, एप्पल वॉच को, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है, आपका जो लोकेशन है वो ट्रैक किया जाता है, तो इसको जो है आपको टर्न ऑफ कर देना है। इसमें से एक भी चीज़ जो है आप टर्न ऑन नहीं रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑफ मैप्स वगैरह सारी चीज़ है, तो ये सब एप्पल की जिम्मेदारी है, एप्पल पे छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है, जरूरत नहीं है उनको हमसे ये सारा डेटा लेके अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे सेटिंग्स, ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको आपके आईफोन में, चाहे वो iOS 12 पे चल रहा हो, 11 पे चल रहा हो या 13 पे चल रहा हो, मैक्सिमम तो 13 के ही एग्जैक्ट आपको नेविगेशन मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन जनरली सारे आईफोन यूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो उनको टर्न ऑफ अभी के अभी करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को फिर से जो है आप प्ले करके पॉज करते करते जो है इन सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं और अपने आईफोन का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहेगी, कोई आपका डेटा जो है नहीं चुरा पाएगा, साथ साथ आपके फोन की बैटरी लाइफ और हीटिंग प्रॉब्लम्स भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कोई भी इशू आपको इसके बाद नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।